मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे जो हिमाचल के ब्लॉग्स हैं जहाँ मैं पाराशर गया, मलाना गया था, तो वो वीडियोज आपने ज़रूर देखे होंगे। और जो सर्दी के असली मज़े हैं पहाड़ों वाले, वो ज़रूर उठाए होंगे। खैर, अभी ठंडा बहुत हो रहा है, दिल्ली में भी काफ़ी ठंडक है, दो तीन दिन तो काफ़ी बारिश हुई है और इस वक्त शीत लहर का प्रकोप जारी है। तो ये है जे हुक, जो कि लगता है यहां पर। जब हम लोग हिमाचल जा रहे थे, इवन कि जब हमारा जो फर्स्ट डे था उस पे जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, लगभग शायद रूपनगर के आसपास कहीं रहे थे, अपने इस एक्शन कैमरे को हेलमेट से निकाला ताकि मैं उसकी बैटरी चेंज कर सकूं, बट ये सडनली मेरे हाथों से स्लिप करके नीचे गिरा। और जे हुक के जो ये जो दो स्टैंड्स होते हैं यहाँ पर, ये दोनों स्टैंड टूट गए, दोनों स्टैंड जो थे वो टूट गए और उसके बाद ये मेरे इस हेलमेट में फिर नहीं लग सका। वैसे इसका एक ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ पर भी है, बट ये ज्वाइनिंग पॉइंट जो है इसका, मैंने जो माउंट था वो नहीं कैरी कर रहा था। तो ये काफ़ी बड़ी गलती थी मेरी कि जब ऐसा कुछ सामान मेरे पास है तो उसके एक्स्ट्रा माउंट्स मैंने अपने साथ कैरी नहीं किए थे। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो रोड के सीन्स हैं, जो चलते हुए जो शॉट्स हैं, वो मैं अपने एक्शन कैमरे से नहीं डाल पाया और रुक रुक कर जहाँ पर भी हो सकता था वहाँ से मैंने अपने फ़ोन कैमरे से शूट किया और उसको मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया है। तो ये एक सीख है, ये एक लर्निंग है जो कि आगे मेरे अगले ट्रिप्स पे नहीं होगी। तो बहुत ही रिसेंटली मैंने अपने लिए एक ये BSDDP, ये इसको कहते हैं शू प्रोटेक्टर, ये मंगाया मैंने अमेजोन से। इसको मैं बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है, उसका क्या पर्पज़ है। तो अगर आपके पास अच्छे जूते हैं या महंगे जूते हैं, लेदर के शूज़ हैं जो आप ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से रखते हुए अपने शूज़ को कवर कर लेते हैं और ये इस प्रकार से शूज़ के ऊपर से ऐसा दिखता है। तो ये यहाँ पे जब हमारा गियर, यहाँ पे जो हमें अप एंड डाउन करना होगा, गियर अप एंड गियर डाउन, तो उसमें ये हमारे शूज़ का जो ओरिजिनल लेदर है या जो उसका ओरिजिनल मटेरियल है उसको ख़राब नहीं करेगा। तो पहन लिए हैं अपना शू प्रोटेक्टर और ये जो नया कैमरा सेटअप है ये मैंने पहली बार किया है, अभी तक मैंने इस तरीके का कैमरा सेटअप नहीं किया है। तो चलते हैं और देख के आते हैं कि कैसा हमारा जो ये नया कैमरा सेटअप है, इससे कैसी फुटेज आती है। शू प्रोटेक्टर है और गियर ये लगभग एक जगह पे आता है, तो ये हमारा काफ़ी प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर। जो शू प्रोटेक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल गियर के साथ में ही वो एडजस्ट है जूते के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये शू प्रोटेक्टर। बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, गियर भी कहीं स्लिप नहीं कर रहा है। अभी ये जो माउंट मैंने लगा रखा है अपने चेस्ट पर, जो चेस्ट माउंट है, ये थोड़ा सा टकराता है कभी कभी, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है और फिर ये मेरे हेलमेट से टकराता है, तो ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील करता है। इसके लिए मैं एक दूसरा माउंट लाया हूँ जो कि इस पे लग सकता है, ये क्लिप माउंट, हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे और फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, कैसी फुटेज आती है। तो फिलहाल ये यहाँ पे नहीं लग पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा शेकी था यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, देखते हैं यहाँ पर कैसा आता है, फिर इसको हम आगे की तरफ टर्न करेंगे। तो अभी ये जो है इसको, इसका जो सेफ्टी बॉक्स है जो कि वाटरप्रूफ केस है, उसमें नहीं डाला हुआ है।
काफ़ी देर ये यहाँ पे लगा रहा, अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और इसको लगाते हैं किसी दूसरी तरफ से। तो इसी के साथ ये राइड पूरी हो गई। हमारा सबसे अच्छा था शू कवर, जो शू प्रोटेक्टर था वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फिसला, और जो गियर था वो बिल्कुल इसके राइट ऑन द शू प्रोटेक्टर था। तो वेरी नाइस। बस ये है कि अगर आप इसको पहन के जाते हैं, मॉल जाते हैं या किसी और शादी फंक्शन पार्टी या कहीं और ऑफिस जाते हैं, तो आपको ये जो है अपने शूज से खोल करके निकाल करके वापस अपने बैग में रखना होगा। बट अगर आपको अपने जूते बचाने हैं तो इतना तो करता बनता है। बाकी तो सब ठीक था। जो पैर के नीचे था वो ऑब्वियसली गंदा होगा, इसका जो प्लास्टिक है, इसकी जो इलास्टिक है वो सब क्वालिटी वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आपको। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि कौन सा फुटेज, कौन सा वीडियो, कौन से कैमरे की सेटिंग सबसे अच्छी थी। क्योंकि आज जो मैंने फुटेज डाला है, आज जो मैंने अपने कैमरे के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें मुझे चेस्ट माउंट वॉज बेटर देन दी जो मैंने आगे लगा के माउंट करने की कोशिश करी थी हैंडल बार में, दैट वॉज नॉट वर्किंग। एंड स्पेशली जो फ्रंट का जब मैंने कैमरे को फ्रंट में लगा के रखा तो उसमें तो वो बिल्कुल आसमान की तरफ दिख रहा था, क्योंकि अभी उसमें कोई 3M टेप नहीं है, 3M टेप से कोई भी उसका माउंट का जो बेस है वो नहीं था। तो ये सारा सेटअप फिर से हमें हिमालयन में एक बार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि चिन माउंट के लिए जो जे हुक है वो मंगाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठंड बहुत है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।